नमस्कार। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह विवादों में हैं। कई महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न के सख्त आरोप लगाए हैं। कई दिन धरना प्रदर्शन के बीच सरकार ने जांच के लिए 7 सदस्यों की कमेटी बना दी है, जो 4 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट देगी। केंद्र की इस पहल के बाद पहलवानों ने अपना आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। अब आगे इस मामले में क्या होगा, ये देखना जानना रोचक होगा। करियर मंत्रा के इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपने देश में खेलों में यौन उत्पीड़न आम है। अक्सर कोच और संघ पदाधिकारी आरोपों के घेरे में होते हैं। साल 2010 से 2020 के बीच स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 45 लोगों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। इनमें से 29 आरोपी कोच थे। जांच के बाद किसी का वेतन कटा तो किसी का ट्रांसफर हुआ। आइए ऐसे ही 10 बदनुमा धप्पों के बारे में आपको बताते हैं। भारतीय अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम जुलाई 2022 में सहायक कोच एलेक्स एम्ब्रोस यूरोप के दौरों पर गए थे। इस दौरान एक खिलाड़ी ने कोच पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। एम्ब्रोस पर खिलाड़ियों को गंदे और भद्दे मैसेज भेजने का आरोप है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने शिकायत मिलने के कुछ दिनों के भीतर कोच को बर्खास्त कर दिया था। महिला साइक्लिस्ट ने स्लोवेनिया के दौरे पर भारतीय राष्ट्रीय महिला साइक्लिस्ट टीम के मुख्य कोच आरके शर्मा पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। यह घटना जून 2022 की है। शिकायतकर्ता का कहना था कि कोच ने होटल का कमरा साझा करने के लिए मजबूर किया। कहा कि एक कमरे में 2 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। एथलीट ने शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कराया। बाद में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने कोच से अनुबंध खत्म कर दिया। तीसरा मामला मार्च 2022 का है। भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व कोषाध्यक्ष आनंदेश्वर पांडे पर महिला हैंडबॉल खिलाड़ी ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया। सशस्त्र सीमा बल की राष्ट्रीय स्तर के हैंडबॉल की पूर्व खिलाड़ी ने पांडे के खिलाफ राजस्थान के भिवाड़ी में मुकदमा दर्ज कराया था। आनंदेश्वर पांडे 2013 से 2020 तक हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव भी थे। 8 महिला एथलीटों ने बास्केटबॉल कोच पी नागराजन पर कई वर्षों तक दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए। सबसे पहले 19 साल की एक एथलीट ने नागराजन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। 2 महीने बाद 7 अन्य महिला एथलीट ने भी आरोप लगाए। जांच में खुलासा हुआ कि वह महिला खिलाड़ियों का फिजियोथेरेपी उपचार करने के बहाने यौन उत्पीड़न करता था। 30 मई 2021 को पुलिस ने नागराजन को गिरफ्तार कर लिया था। जनवरी 2020 में दिल्ली पुलिस ने दक्षिण पूर्व दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में एक महिला क्रिकेटर के साथ उसके कोच द्वारा कथित छेड़छाड़ करने के मामले में एफआईआर दर्ज की। पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने कहा था कि महिला खिलाड़ी उनके पास पहुंची थी और इस मामले में मदद मांगी थी। इसके बाद गौतम गंभीर की मदद से महिला ने कोच के खिलाफ केस दर्ज कराया। एक महिला जिम्नास्ट ने सितंबर 2014 में अपने कोच पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। जिम्नास्ट ने अपने कोच मनोज राणा और साथी जिम्नास्ट चंदन पर राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी खेल परिसर में एक प्रशिक्षण शिविर के दौरान अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। केस दर्ज होने के बाद 25 अक्टूबर 2014 को मनोज राणा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तमिलनाडु स्टेट एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव एके करुणाकरन पर उत्पीड़न, छेड़छाड़ और आपराधिक धमकी के आरोप लगे थे। वाक्या मार्च 2011 का है। महिला मुक्केबाज ने कहा कि सचिव राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सिलेक्शन के लिए यौन संबंध बनाने का दबाव बनाते थे। बाद में तमिलनाडु पुलिस ने एके करुणाकरन को गिरफ्तार कर लिया था। जुलाई 2010 में भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी ने टीम के कोच महाराज किशन कौशिक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। खिलाड़ी का कहना था कि चीन और कनाडा दौरे के दौरान कोच ने जबरन सेक्सुअल हरेसमेंट की कोशिश की। जांच में आरोप सही पाए गए और कौशिक को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव पी चामुंडेश्वर नाथ पर महिलाओं को टीम में शामिल करने के लिए यौन संबंध के लिए दबाव बनाने का आरोप था। 23 जून 2009 को हैदराबाद में राज्य की गृह मंत्री सविता इंद्र रेड्डी से मुलाकात कर आंध्र क्रिकेट टीम की कई महिला खिलाड़ियों ने उनके खिलाफ भद्दे SMS भेजने और उनसे यौन संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई। गृह मंत्री के दखल के बाद चामुंडेश्वर नाथ को पद से हटाया गया। मई 2015 में केरल में सरकारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी के हॉस्टल में नौकायन से जुड़े 4 जूनियर एथलीट ने अपने कोच से परेशान होकर सुसाइड नोट लिखा और सामूहिक रूप से आत्महत्या का प्रयास किया। इनमें से एक अपर्णा रामचंद्रन की मौत भी हो गई थी। अब समय आ गया है कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के हित में सख्त कानून बनाए, कुछ ठोस कदम उठाए जिससे यौन उत्पीड़न की वारदातें रुकें। इस एपिसोड में इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।